जांच करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग ढाई महीने पहले इंस्ट्रक्शन दिए आपने इनको घर में रहने की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ढाई महीने पहले लोग आ चुके हैं, कुछ तकलीफ रहती तो अपन इनका खून जांच करते, इनका स्वैब लेते हैं। हाँ, यही अगर उसी दिन आ जाते 22 जनवरी को 21 जनवरी को तो ज्यादा है थे, अभी दो ढाई महीने पहले, यानी इनको कोई तकलीफ नहीं थी, नहीं थी। अगर अभी है जो हमने उनसे बार बार पूछ रहे कोई तकलीफ है, कहाँ गए, क्या आगे क्या आप लोगों ने इनको बुलाया? हाँ, फॉलो अप मैंने बोला है, किसी को कुछ भी रहे मैंने इनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई, क्योंकि अभी ढाई महीना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इनकी कोई पास हिस्ट्री भी है, अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्रेथलेसनेस, सीओपीडी, सांस की दमे की बीमारी, तो भी हम घड़ी घड़ी पूछते हैं, आपको बताओ, हम एक्सरे कराएंगे, जो भी करेंगे। घर पे रहने के 14 दिन, क्योंकि जितना अभी तक तो ये लोग नहीं थे, अभी ढाई महीना तक तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन घूम रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि जमात से आए और घर पे रुकना जरूरी है हर एक को, इनको क्या, हर एक को रुकना जरूरी है। हम लोग गए थे जमात में इंडोनेशिया, कब हमको आने को, मतलब अब ढाई तीन महीना हो रहा है, 22 जनवरी को आए यहाँ पे हम, 22 जनवरी को यहाँ पे आए हैं मालेगांव में। तो उसके बाद रात में हमको फ़ोन आ रहा है कि तुम्हारा जांच करना है पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस स्टेशन से बुलाना भी हुआ, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, वो लोग यहाँ पे लेके आए सिविल दवाखाने में, यहाँ पे लोग ने जांच किया और जो भी तकलीफ है गोली दवा भी दी है उन्होंने। अभी कोई किसको कोई खास तकलीफ है नहीं, क्या एहतियात करनी बोलेगा? 14 दिन बोले घर के बाहर निकलो मत, घर में रहो। आप एहतियात कर रहे हैं? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। बिग डैम रमजानपुरा सेक्शन से दौरा साहब का फोन आया और किया, दौरा साहब ने तो बाबुल साहब को और एसी साहब को भेजा कि तुम्हारे वार्ड के अंदर कोई एक ऐसा वार्ड, एक ऐसा आदमी है जो इंडोनेशिया से आया है, उसके साथ में 8 लोग थे। जब हम लोग उनके घर गए तो वो कहने लगा कि अब मैं नहीं गया था, मगर मेरे साथी थे साथ, और उनके साथ मैं मतलब मनमाड़ तक वापस मिलाने गया, बाकी 7 लोगों को मबलों कैसे मिलेंगे। तो फिर उसने अमीर साहब का नंबर दिया, हम लोग अमीर साहब को कॉल किए, डॉक्टर साहद, मैं, अपना मुश्ताक शाह, आसिफ पान वाला, सफीक आर्गन, हम लोगों ने अमीर साहब का नंबर लिया, रात को 2 बजे हमको नंबर मिला, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पर आज जोहर के बाद यहाँ लाया गया। जोहर के बाद लाने के बाद यहाँ जो उनका चेकअप चालू है, मेरा इतना बोलना है कि यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें चला रहे हैं, ये तमाम लोगों को ऐसा बोलना है कि जो आप लोग खबर चला रहे हो उस तरीके से काम भी करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम लोगों को दिक्कतें जो आई है तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही चालू है। अगर ये लोग 1 घंटे से ऊपर नहीं आए, अगर इनको जल्दी कर दिया जाता तो बाहर निकल जाते। मेरा इतना ही कहना है कि हर तरीके से इनकी सहायता करें, चेक करें, अगर इनके पास कोई ऐसा नहीं निकलता है तो इनको जगह पे सर्टिफिकेट दे, ताकि आगे पुलिस डिपार्टमेंट इन्हें तकलीफ ना दे।